फाइनली दोस्तों आज आदि पुरुष का एक और पोस्टर रिलीज हो चुका है। दरअसल दोस्तों आज आदि पुरुष के एक्टर प्रभास का बर्थडे, जिसके चलते फिल्म के मेकर्स ने आदि पुरुष का एक और नया पोस्टर रिलीज किया, जिसमें हमें कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिला। पोस्टर की बात करें तो दोस्तों जो पोस्टर रिलीज किया है वो ये वाला पोस्टर है, जिसमें आप लोग साफ साफ ही देख सकते हो जो पोस्टर आदि पुरुष का पहले था अब भी सेम वही पोस्टर है। और इस पोस्टर से हमें लगता है कि भाई आदि पुरुष में हमें किसी भी तरह के कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलने वाले। आदि पुरुष का सीन तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि अभी आदि पुरुष को लेकर क्या चल रहा है। इसमें रावण का लुक, श्री राम का लुक, सीता माता का लुक, हनुमान जी का लुक, इन सभी के लुक को काफी गलत तरीके से दिखाया गया। आदि पुरुष के ट्रेलर के रिलीज के बाद मेकर्स ने बोला था कि हाँ भाई इसमें हम चेंज करेंगे, लेकिन जिस तरह का पोस्टर आया है उस हिसाब से हमें साफ साफ लगता है कि हमें आदि पुरुष में कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। फिल्म में श्री राम का अपमान है, हनुमान जी का अपमान, सीता माता का अपमान है और लक्ष्मण का तो कुछ पता ही नहीं है। अब ऐसी फिल्में कौन देखेगा जिसमें हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को टारगेट किया जा रहा है। इस फिल्म को तो दोस्तों मेरे हिसाब से बैन कर देना चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जिस फिल्म में हमारे हिंदू देवताओं का अपमान हो उस फिल्म को हमें सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं।